एक आपने मुझे ये भी कहा, और ये आप नहीं कह रहे, बहुत से लोग कह रहे हैं, उनके असातिज़ा, उनके शुयूख सब ने उस पर इजहार नाराज़गी किया। यकीनन मेरे बहुत से असातिज़ा हैं और किसी का भी इनकार करना मकसूद नहीं, मगर ये इल्ज़ाम लगाना सारे असातिज़ा के लिहाज से ये बहुत गलत है। आप तो जानते हैं बिक्की शरीफ के माहौल को कि हज़रत अल्लामा हाफिज़ करीम बख्श साहिब ज़ीद अशरफ़ुहू हज़ारों उलमा के उस्ताद हैं। हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के अहद मुबारक में भी फतवा वो देते थे। हज़रत पीर सैयद मज़हर क़य्यूम मशहदी रहिमहुल्लाह ताला, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी, मौलाना मोहम्मद ज़हूर अहमद जलाली साहब, इनके अलावा सैकड़ों शुयूखुल हदीस मुफ्तियाने किराम के वो उस्ताद हैं, और उनका मौकिफ क्या है ये ज़रा आप उनका क्लिप सुने। और अपने उलमा जो ने मोतरिज ने, हालांकि उन्होंने मोतरिज नहीं होना चाहिए, उन्होंने मसले की अपनी सुन्नत देखना चाहिए वो की है। अगर डॉक्टर साहब मसले के अपनी सुन्नत के मुताबिक चलते हैं तो दूजे उलमा उन्होंने तायद करनी चाहिए, ना कि जिले ना उन्होंने खिलाफ बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब जो ना वो जो उन्होंने खिताब का लफ्ज बोलिया ना इज्तिहादी खिताब, वो तो नबियों को भी हो जाती है इज्तिहादी खिताब। तो ये तो मुसलम मसला है ना कि जरा हज़रत खातून जन्नत ने वो मासूमा नहीं महफूजा ने, तो महफूजा होना मासूमा नालों भी ज़्यादा कमाल बन जाता इस लिहाज न कि मासूम तो होने जो कोई गुनाह होंगे ही नहीं, अल्लाह ने वो सलाहियत नहीं पैदा की गुनाह की, और महफूजा होंगी है कि वो सलाहियत है गुनाह की लेकिन वो बचती है, मर्द हो या औरत हो बचता है। इस लिहाज न महफूज होना ये बहुत बड़ा कमाल है। तो डॉक्टर साहब जो ना हूँ जरा वो बगैर दलील के बात नहीं करते, इन्हों उलमा चाहिए कि ये जो ना जिन्हें जो मशकूक ने ना इन्हों चाहिए कि मसलक का तहफ़ करद हो डॉक्टर साहब के को आवन तो उन्होंने बिल मुशाफा गुफ्तगू कर बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब जो ना अपने मौकफ के उत्ते मसल के अहले सुन्नत के उत्ते पक्के पीटे ने, जो हूँ अगर वो इस बात को रजू करते हैं यह मतलब अहले सुन्नत का मतलब जो है वो रजू कर रहे हैं, अहले सुन्नत के मजहब में वो छड़ रहे हैं, इस वास्ते ये चीज़ सही नहीं। और फिर ये सुनिए देखिए, अल्लाह ताला इस्तकामत देवे, डॉक्टर साहब का मौकफ बिल्कुल सही है, मैं तायद करना अंबिया किराम मलाका मासूम ने उन्होंने खता नहीं होंगी, बाकी साबा होना अहले बैत होना इन्होंने को खता इत्यादि मुमकिन है, खता इत्यादि मुमकिन है, ये कोई बैद नहीं, सारे साबा ताबे तबा ताबे सारे का ही मौकफ आ रहे, तो उलमा चाहिए ये नाल अशर साहब के नाल बयान करना तबाही कर शिया ये शिया के मौको नाल लग गए उलमा जो सुनी सुनी लगे पैन नाल उन्होंने वो शिया नाल लगे पैन वो सुनी कच्चे हो गए जो लगे पैन, अल्लाह सकामत दे अल्लाह बचाए माफ। ये हैं शेख उल हदीस अल्लामा नज़ीर अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, ये भी इन सारी शख्सियात के उस्ताद हैं, और इनके लफ्ज़ सुनो कितने गर्म हैं। अभी ये तो हमने थोड़े से पेश किए, हमारे जो पूरा एक जहान है जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ के जो फारिग तहसील हैं, उस जहान इल्म में ये दो आफ्ताब इस वक्त हमारे असलाफ की निशानी हैं, यानी ये हैं अब बड़े असातिज़ा बड़े उस्ताद के मसनद पर ये लोग हैं, और उनका मौकिफ आपने सुन लिया।